नमस्कार, अविघ्न फूड बुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने चलते हैं बादाम मिल्क शेक। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बनाने चलते हैं बादाम मिल्क शेक। दूध बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए वो ये 20 बादाम है, जिन्हें मैंने पहले से ही भिगो दिया था। मैंने इन्हें 2 घंटे पहले भिगो दिया था। 4 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1.5 लीटर दूध। सबसे पहले ये जो मेरे बादाम हैं इनके मैं छिलके उतार लूंगी। इस तरह से हमें छिलके उतार देना है। हमने सारे बादामों को छील लिया है। अब हम अपने दूध को चढ़ाते हैं गर्म होने के लिए। अब हम अपनी गैस को ऑन करेंगे और अपनी कढ़ाई में हम दूध को गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। दूध को हमें हाई फ्लेम पर गर्म करना है। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक हम इन बादामों को एक मिक्सी में डालकर जार में पीस लेंगे। बिल्कुल इसका महीन पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा ये दूध डाल देंगे। हमारा दूध खोलने लगा है और देखिए हमने ये बादाम का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। हम अपने दूध को लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे लग ना जाए। इसी तरह से हमें इसको बराबर चलाते रहना है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे हमें हर 2-3 मिनट में लगातार चलाना है। हमें इसी तरह से इसको चलाते रहना बराबर जब तक ये दूध आधा ना रह जाए। मैं अपने इस दूध में दालचीनी का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि ये सर्दियाँ चल रही हैं तो इसलिए मैं दालचीनी यूज़ कर रही हूँ। गर्मियों में हम इसमें इलायची पाउडर डाल लेंगे। देखिए दालचीनी पाउडर मैंने डाल दिया है। इसको इसी तरह से हमें चलाते रहना है क्योंकि ये सर्दियों के लिए मैं दूध बना रही हूँ तो थोड़ा सा गर्म इसकी तासीर रहे। इसको लगातार इसी तरह से मुझे चलाते रहना है। अब इस स्टेज पर हम इसमें जो हमारी ये शुगर है इसको डाल देंगे। इसको इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। दालचीनी से दूध का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। ये पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसको लगातार इसी तरह से हमें चलाते रहना है जब तक कि हमारी चीनी घुल ना जाए और हमें इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है। अब इसमें हम ये थोड़ी सी केसर डाल देंगे और इसको इसी तरह से हिलाते रहेंगे। इसी तरह से हिलाते हुए से हम 5 से 10 मिनट और पकाएंगे। अब हम अपने दूध में ये बादाम का जो हमने पेस्ट बनाया था इसको डाल देंगे और इसको लगातार इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। इसी तरह से हम अपने दूध को चलाते रहना है। बस इसे कम 5 मिनट हम और चलाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो इसको थोड़ा सा पतला पीना है दूध तो उसे वो पतला रख सकते हैं। जिसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है तो 5 मिनट और इसे खौलाएं। हमें दूध को चलाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे किसी ग्लास में सर्व करूंगी। गर्म दूध को सर्व कर लिया है। इसको ये केसर की पत्तियों से हम इसे गार्निश करेंगे। यदि आपको मेरी ये बादाम दूध की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स अभिघ्न फूड बुक पर शेयर करें। नेक्स्ट रेसिपी के लिए देखते रहें अभिघ्न फूड बुक।